आज है 22 अप्रैल 2023 और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे विंटर फ्लावर्स हैं और साथ ही समर फ्लावर्स वो भी स्टार्ट हो गए हैं। विंटर फ्लावर्स ये देखें गजानिया के पौधे हैं, साथ मेरे पटोनिया है। तो इसकी मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा आज की वीडियो में जितने भी लगे हुए हैं। देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं गजानिया पे, साथ नई नई बर्ड्स भी आ रही हैं। और देखें जो फूल जो देखें स्पेंट हो जाते हैं फूल, तकरीबन ये 6 से 7 दिन की लाइफ होती है इनकी। तो उसके बाद हम उसको इस तरह डंडी से इसको तोड़ के अलग कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इनके बीज नहीं बनाने। अगर इस पौधे के साथ लगा रह जाएगा तो ये बीज बनने शुरू हो जाएंगे और फूल आना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखेंगे साथ मेरे क्लांचू, और इधर आके जाएं तो ये देखें जी विनका और पर्पल हार्ट पे अभी फूल बर्ड्स छोटी छोटी बनी हुई है लेकिन फूल आए नहीं हैं। उधर आके जाते हैं जी हम, और ये देखें जी कैक्टस पे फूल आए हुए हैं माशाल्लाह। ये कैक्टस में मैंने थोड़ा सा धनिया लगा दिया था, वो भी अच्छा आ रहा है। और ये देखें बेबी सन रोज, ये सारे आप समर के फ्लावर्स हैं। साइड पे और रेलवे क्रीपर वाइन जो कि आप मेरी वीडियोस में देखते ही रहते हैं माशाल्लाह, इस पर भी अच्छे फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। गर्मी बढ़ी है तो उसके बाद अब फ्लावर्स का साइज़ भी ठीक हो गया है और तादाद भी बढ़ी है फूलों की। इन फूलों की जो लाइफ होती है वो एक दिन होती है, एक दिन में ये खिलते हैं और शाम होने से पहले ये बंद हो जाते हैं। और इस बेल पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। और एंड पे मैं आपको मेरी बास्केट है जो पटूनिया की वो दिखाता हूँ, वो मैंने साइड पे हैंग की हुई है। तो ये देखिए जी मेरी बास्केट पटूनिया की, इस पर माशाल्लाह बहुत प्यारे पटूनिया है खिले हुए हैं, काफ़ी फूल आए हुए हैं इस पर और बर्ड्स भी काफ़ी बन रही हैं। और बहुत प्यारी लगती है ये हैंगिंग बास्केट में। तो थी आज की मेरी वीडियो मेरी फ्लावर्स पे, इसमें कुछ सर्दियों के फ्लावर फूल थे जो कि जा रहे हैं अब हमारे पास मेहमान हैं, और साथ गर्मियों के फ्लावर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।